हमने तो हैदराबाद में तीर चला लिया है, यहाँ पे माता रानी का त्रिशूल भी चला दी है। ये एकमात्र सा प्रधानमंत्री है जो रामालय भी बना सकते हैं अयोध्या में और एक मुसलमान औरत के आंसू भी पहुंच सकते हैं। कर इस जीत को रामलला के चरण पे देने जाएंगे हम। सुना आपने, बीजेपी के हैदराबाद की प्रत्याशी और फायर ब्रांड नेता माधवी लता कह रही हैं कि वो चुनाव जीतेंगी तो सबसे पहले श्री रामलला के चरणों में इस जीत को समर्पित करने जाएंगी, अयोध्या में प्रभु श्री राम के दरबार में मत्था टेकेंगी। जीत कर इस जीत को रामलला के चरण पे देने जाएंगे हम। हम उसको आगे पार करके इतना निकल जाएंगे कि वो वैसी जी अब की बार रिटायरमेंट ले लेंगे। सदियों की प्रतीक्षा और पुरखों की प्रतिज्ञा की पूर्णता के बाद अयोध्या में खड़ा जो राम मंदिर सनातन संकल्प की सिद्धि को परिभाषित कर रहा है, जो भव्य और दिव्य मंदिर हिंदुत्व के गौरव को आसमानी आयाम दे रहा है, उसी राम मंदिर में स्थापित रामलला के श्री चरणों में अपनी जीत को समर्पित करने जाएंगी माधवी लता। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या माधवी लता का रामलला प्रण पूरा होगा? आखिर कैसे और क्यों वो असदुद्दीन ओवैसी को उनके गढ़ में शिकस्त देने को लेकर फुल कॉन्फिडेंट है? इन तमाम सवालों के तार्किक जवाब आगे तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हैदराबाद की सियासी जंग थमने के बाद भी माधवी लता सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि हैदराबाद में सियासी लड़ाई खत्म होने के बाद भी वो रुकी नहीं है, थकी नहीं है। अपने बयानों के तीर से वो विपक्ष पर ताबड़तोड़ वार कर रही है। राहुल गांधी जी आएंगे ना, सर्वनाश हो जाएगा हमारा, पूरा हिम्मत निकल जाएगा हमारा, नींद निकल जाएगी हमारी, डर लगेगा हम लोगों को। हैदराबाद में ओवैसी को तगड़ी चुनावी चुनौती देने के बाद तेलंगाना में माधवी लता बीजेपी का बड़ा चेहरा बन ही चुकी है। अब वो बीजेपी की फायर ब्रांड नेता बनकर उभर रही है। भगवा गेटअप और हाथों में रुद्राक्ष की माला वाली माधवी लता को लोग एक तरह से सनातन और हिंदुत्व की ध्वज वाहक के रूप में देख रहे हैं। पहले सांकेतिक रूप से धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाकर तीर चलाने वाली माधवी लता अब कह रही हैं कि जरूरत पड़ी तो त्रिशूल भी चलाऊंगी। हमने तो हैदराबाद में तीर चला लिया है, यहाँ पे माता रानी का त्रिशूल भी चला देंगे। 2024 की सियासी कथा अब हैदराबादी भाईजान वर्सेस माधवी लता से आगे बढ़ चुकी है। हैदराबाद में वोटिंग के बाद माधवी लता फायर ब्रांड स्टार कैंपेनर बन चुकी हैं। जगह जगह से इनकी रैलियों की डिमांड हो रही है। जय बोले भारत माता की, जय बोले भारत माता की, जय बोले भारत माता की। हैदराबाद में चुनाव खत्म हुए तो माधवी लता ने महाराष्ट्र में पार्टी के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया, फिर छठे चरण के लिए दिल्ली में बीजेपी के चुनाव प्रचार में टट गई। चुनावी सभाओं में बीजेपी नेता माधवी लता जैसे ही मंच पर पहुंचती हैं, जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। माधवी लता भी अपने चिरपरिचित अंदाज में तीर चलाकर सभा में मौजूद भीड़ में जोश भर दे रही है। कमल है भैया जिसके अंदर से साक्षात दुर्गा भी बैठती है, सरस्वती भी बैठती है, महालक्ष्मी भी बैठती है, नहीं बात सही? हर पूजा में हम क्या देते हैं भगवान को? कमल अर्पित करते हैं। और कमल कहां से निकलता है? कीचड़ से निकलता है। ये लोग जितना भी कीचड़ बनाने की कोशिश कर लें, लेकिन कमल खिलेगा और हमारे सारे जीवन में भाग्य भाग्य लेके आए। चुनाव प्रचार के दौरान माधवी विपक्ष पर सियासी तीर से आगे बढ़ते हुए अब सियासी त्रिशूल चलाने तक की बातें कर रही हैं, ताकि विपक्ष को चारों खाने चित किया जा सके।
हमने तो हैदराबाद में तीर चला लिया है, यहाँ पे माता रानी का त्रिशूल भी चला देंगे। हैदराबाद में अपनी चुनावी जीत को लेकर माधवी लता जबरदस्त कॉन्फिडेंट तो हैं ही, वो जहां भी जा रही हैं पीएम मोदी के 400 पार के नारे को बुलंद कर रही हैं और राहुल गांधी समेत विपक्ष पर तल्ख और तीखे वार कर रही हैं। मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी का उम्र काफी हो गया है, अभी पॉलिटिक्स में सौंपने का उम्र भी नहीं रहा, तो माँ बेटे दोनों को भी अगर ये आ गया तो दोनों ही रिटायर हो जाएंगे, तो ये जो चल रहा है ना इसका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। बीजेपी की हिंदुत्व की पिच को लगातार मजबूत करने में जुटी माधवी लता अपनी चुनावी रैलियों में कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी रामालय भी बनवा सकते हैं और मुस्लिम महिलाओं के आंसू भी पोंछ सकते हैं, लेकिन इनके कट्टर विरोधी असदुद्दीन ओवैसी माधवी लता और पीएम मोदी को घेरने से पीछे नहीं हट रहे। ये एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जो रामालय भी बना सकते हैं अयोध्या में और एक मुसलमान औरत के आंसू भी पोंछ सकते हैं। आज मस्जिद और मंदिर के नाम पर लोगों को जज्बात में लाकर नरेंद्र मोदी अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। भड़काऊ बयानबाजी का लाउड स्पीकर जोर जोर से बजाने के बावजूद ओवैसी इस बार अपने ही सियासी किले में मात खा सकते हैं, लेकिन चुनावी पतंग उड़ाने और मजलिस को मुसलमानों का रहनुमा साबित करने के चक्कर में वो अब उत्तर प्रदेश के चुनावी मंचों से नफरती बयानों को धार दे रहे हैं। जब वोट डालने जाएंगे तो याद रखो वो बुलडोजर को याद रखो, जब वोट डालने जाएंगे तो याद रखो जुल्म को, जब वोट डालने जाएंगे तो याद रखो CAA के कानून को। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, यकीनन हमारे सरों पर काले बादल जरूर हैं, मगर याद रखो इंशाअल्लाह ताला ये बादल हटेंगे इंशाअल्लाह ताला, हमारे मुकद्दर का सूरज चमकेगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं, जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं, याद रखो दुनिया इनको हमेशा के लिए बुला देगी इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज हमको दबाने की, कुचलने की, हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदरत इंशाअल्लाह ताला उनके वजूद को मिटा के रख देगी इंशाअल्लाह ताला। जो लोग सामाजिक न्याय हमसे नहीं कर रहे, अल्लाह हमसे इंसाफ करेगा और सामाजिक न्याय उत्तर प्रदेश में PDM कायम करेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी मजहबी लकीर और भड़काऊ भाषणों के हथियारों के साथ उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में डटे हैं। पीएम मोदी और बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन करार देने में जी जान से जुटे हैं और अब जब खबर माधवी लता के रामलला प्रण की आई तो राम मंदिर के बहाने पीएम मोदी पर जुबानी हमले वो तेज कर चुके हैं, क्योंकि पीएम मोदी अपनी रैलियों में आशंका जता चुके हैं कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस अगर सत्ता में आई तो राम मंदिर पर ताला लगवा देगी। कांग्रेस और उनके एक साथी ने एक रहस्य खोला है, अभी कांग्रेस के साथी इस फर्स्ट फैमिली के राजदार है वो, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर साजिश चल रही है, अगर सत्ता में आए तो फिर से राम मंदिर को ताला लगा देंगे और रामलला को टेंट में रहने के लिए मजबूर कर देंगे, ये इनकी सोच है, क्या ये होने देंगे क्या? आप ऐसा अवसर उनको लेने देंगे क्या? और इसलिए हर पोलिंग बूथ में इनकी सफाई करना जरूरी है। मोदी बात करते हैं कि ताला लग जाएगा, नरेंद्र मोदी भूल गए कि उनके इस दो फैसलों ने लोगों की जिंदगियों पर ताले लगा दिया। आज मोदी बात करते हैं कि ताला लग जाएगा, मोदी बात करते हैं कि बुलडोजर की मिसाल देते हैं, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री बुलडोजर की मिसाल देता है। बीजेपी कह रही है कि रामलला को वापस टेंट में जाने से रोकने और राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने से रोकने के लिए मोदी का 400 पार आना जरूरी है,
विपक्ष की सफाई आवश्यक है और इसी राम मंदिर में हैदराबाद में विजयश्री के बाद हाजिरी लगाने का संकल्प ले चुकी हैं माधवी लता। लेकिन भड़काऊ बयानबाजी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहे ओवैसी के तेवर देख अब माधवी लता हैदराबादी भाईजान को ही धनुष बाण पकड़ा देने का दम भर रही। एक काम करते हैं, जीतने के बाद असद के हाथ एक दिन धनुष दे देंगे। धनुष को उठाने के लिए कहेंगे तो तीर वहां जाएगी, यहां नहीं जाएगी। तो हाथ सिर्फ अमन के लिए तीर ही छोड़ेगा, मजहब के दरार वाला तीर कभी नहीं छोड़ेगा। माधवी लता नसीहत दे रही हैं कि भड़काऊ भाईजान मजहब वाला तीर छोड़ना बंद कर दो, लेकिन ओवैसी हैं कि जिद ठान चुके हैं। उन्हें गुमान है कि यूपी और बिहार में वो एनडीए को नुकसान पहुंचा देंगे। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर ओवैसी का पीडीएम चुनाव लड़ रहा है। यहां ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं है, जबकि बिहार में ओवैसी की पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से 4 सीटों पर हिंदू उम्मीदवार खड़े कर ओवैसी का एनडीए को मुश्किल में डालने का प्लान है। लेकिन जब विरोधी इन्हें वोट कटवा कह रहे हैं तो ओवैसी भाईजान बौखला भी जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि आप खुद अपनी पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं लड़वा रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों का वोट जो है नीचे करो, इससे खराब हो रहा है। तो जो दूसरे लड़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो खराब नहीं कर रहे हैं लगातार जो 400 पार से गिर जाएगा। 400 पार आप कहाँ कह रहे हैं, अभी कल भी कहा प्रयागराज में उन्होंने। मोदी विरोधी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम से लेकर वोट कटवा तक करार दे रहे हैं, तो वहीं माधवी लता अपने बयानों में उन्हें देश का दुश्मन तक बता चुकी है और अब बीजेपी और हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करने वालों को तल्ख अंदाज में समझा भी रही है। इसीलिए वो लोग बार 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 भारतीय जनता पार्टी को बोलते हैं हिंदुत्व हिंदुत्व। पता है लोगों को हिंदुत्व क्या है? मानव सेवा ही माधव सेवा हिंदुत्व है। कोई मानव सेवा में हमने नहीं किया ना, हिंदू मानव सेवा ही माधव सेवा है, क्रिश्चियन मानव सेवा माधव सेवा है, मुस्लिम मानव सेवा माधव सेवा है, ऐसा कोई कहते है क्या? मानव सेवा ही माधव सेवा है। मानव माने हर मानव, वो है हिंदुत्व। जो हर एक के लिए जीता है वो है अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, वो है अपने प्रधानमंत्री मोदी जी। अब आते हैं माधवी लता के रामलला प्रण पर कि आखिर वो किस आधार पर जीत के दावे कर रही हैं। रामलला के श्री चरणों में जीत समर्पित करने को लेकर वो आश्वस्त हैं। उनके इस आत्मविश्वास का आधार है ये आंकड़े। हैदराबाद जिले से 5,41,000 बोगस और डुप्लीकेट वोटर्स हटा दिए गए थे। 5 साल में ओवैसी की पार्टी का वोट शेयर भी करीब 16% कम हो चुका था। 2019 में AIMIM को हैदराबाद में 59% वोट मिले थे, जबकि 2023 के विधानसभा चुनाव में 43% वोट ही उसे